सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले, जाली बैंक अकाउंट्स का केस नैब के सुपुर्द कर दिया गया। 2 माह में 8.5 तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL और GIT रिपोर्ट से निकालने का हुक्म भी दे दिया। मासूम ने पाकिस्तान आकर ऐसा क्या कर दिया? वो सिर्फ अपनी माँ का मिशन आगे बढ़ा रहा है। नाम पॉइंट स्कोरिंग के लिए शामिल किए गए चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नैब चाहे तो बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को तलब कर सकता है। अदालत का फैसला। मलिक रियाज के खिलाफ इतना मवाद है तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नैब तहकीकात करे। अरबों रुपए कैसे बन गए? जाली अकाउंट्स का ताल्लुक बजाहिर सियासतदानों बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप से बनता है। आप कहना चाहते हैं मलिक रियाज ईमानदार तरीन आदमी है। चीफ जस्टिस का वकला से मुकालमा, JIT तो नुक्ताए आगाज है, असल तहकीकात तो होनी है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के बाद नैब भी यही कहेगी केस नहीं बनता। इसकी वजह से मुल्क बहरान में आ गया। वकील लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। तर्जुमान बिलावल भुट्टो बोले, आज के फैसले से GIT की साख खत्म हो गई। विफाकी काबीना मुआफी मांगे और इस्तीफे मांगने वाले खुद मुस्ताफी हो। मुर्तजा वहाब का कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से GIT की बदनीयती को बेनकाब कर दिया। तमाम इकदाम सियासी थे। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जमानत कबल गिरफ्तारी में 23 जनवरी तक मजीद तौसी मिल गई। कराची बैंकिंग कोर्ट में अब्दुल गनी मजीद हुसैन लवाई समेत मुलजमान ने पेश होकर हाजिरी लगाई। FIA को हतमी चालान जमा कराने का हुक्म दिया जाए। मुलजमान के वकील की इस्तदा, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते। अदालत का जवाब, अनवर मजीद एक बार फिर अदालत पेश न हुए, मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा दिया। कराची बैंकिंग कोर्ट में जियालों की भरमार से FIA परेशान। कमरा अदालत में भी धक्कम पेल। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत के बाहर रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। धक्कम पेल की सूरत हाल में कैसे अपना दिफा करें? सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो रहे हैं। प्रोसिक्यूटर बख्तियार अहमद चन्ना का मौके। अलजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर नहीं हुई, फिर सजा मुअत्तली की दरखास्त को कैसे सुन सकते हैं? पहले मरकजी अपील समाअत के लिए मुकर्रर होगी, फिर मुअत्तली की दरखास्त सुनेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वाजे कर दिया, नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने सजा के खिलाफ दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। बहरिया टाउन कराची और रावलपिंडी अमल दरामद केस में अदम तआवुन पर सुप्रीम कोर्ट का नैब पर इजहार बरहमी। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि काम नहीं होता तो बता दे। अदालत ने रिपोर्ट पेश ना करने पर आइंदा समाज पर DG स्पार्को को तलब कर लिया। ये तो जंगलात की अराजी है, थर्ड पार्टी मफाद कैसे हो सकता है? जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क। मोहम्मद डैम के संगे बुनियाद की तारीख क्यों बदल दी? चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का फैसल वावडा से शिकवा। कहा, क्या डैम की तामीर में सुप्रीम कोर्ट का कोई किरदार नहीं? अब शायद संगे बुनियाद की तकरीब में ना जाऊं। वजीर आजम से जाकर कहें वो ही इफ्तिताह करें। वफाकी वजीर ने हुकूमत की जानिब से माजरत कर ली। नई गज डैम की तामीर के केस में एक्निक इजलास की हतमी तारीख मांग ली। सुप्रीम कोर्ट के हुकुम पर एंटी करप्शन पंजाब इन एक्शन। पाक पता नाराजी की तहकीकात शुरू कर दी गई। DG एंटी करप्शन पंजाब ने उस वक्त के वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ के सेक्रेटरी सज्जादा नशीन पाक पतन दरबार आला सरकारी अफसरान को बयानात के लिए तलब कर लिया।
मुल्क में सरमायाकारी की राह हमवार। सऊदी कंपनी ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए तैयार। आरामको ऑयल कंपनी 15 अरब डॉलर की रिफाइनरी लगाएगी। सऊदी वली अहद अनकरीब पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उधर सऊदी इमदाद में से $274 मिलियन माहाना की रिलीज भी रवा माह जारी होना शुरू हो जाएगी। अरब न्यूज का दावा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 730 पॉइंट्स का इजाफा। 38,250 की सतह उबूर कर गया। सिंध हुकूमत की लोकल गवर्नमेंट एक्ट में अहम तरमीम करने की तैयारी। मेयर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, टाउन कमेटीज, डीएमसीज के चेयरमैन को तहरीक अदम एतमाद के जरिए सादा अक्सरियत से हटाया जा सकेगा। मुसवदा आज काबीना इजलास में पेश होगा। पहले तहरीक कामयाब कराने के लिए 2/3 अक्सरियत का कानून था। सीएनजी सिलेंडर स्कूल वैन पर पाबंदी। कराची औरंगी टाउन में स्कूल वैन में आतिशजदगी के बाद ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई। शहराहे फैसल पर सिलेंडर्स इस्तेमाल करने वाले स्कूल वैन के खिलाफ चालान कटने लगे। उधर वे ट्रांसपोर्ट ओवैस कादिर सिविल अस्पताल बर्न सेंटर में जेर इलाज बच्चों की अयादत के लिए पहुंच गए। पाक बहरिया के 4 रियर एडमिरल्स की वाइस एडमिरल के ओहदे पर तरक्की। तरक्की पाने वालों में वाइस एडमिरल अथर मुख्तार, वाइस एडमिरल मोहम्मद फयाज जैलानी, वाइस एडमिरल मोहम्मद अमजद खान और वाइस एडमिरल आसिफ खालिक शामिल हैं। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में कबड्डी के जोरावर मुकाबले। पहले मैच में पाकिस्तान व्हाइट और ईरान की टीमें मध्य मुकाबले। खिलाड़ी एक दूसरे से पॉइंट लेने के लिए खूब दाव पेश दिखाने लगे। अगले मुकाबले में पाकिस्तान ग्रीन और भारत की टीमों में जोर पड़ेगा। मैचेस देखने के लिए एंट्री पासेस जारी कर दिए गए। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड मेला सितारों की कहकशां रेड कारपेट पर उतर आई। रामी मालिक नंबर 1 अदाकार का एजाज ले उड़े। साल की बेहतरीन अदाकारा का ताज ग्लेन क्लोज के सर सजा। नौ मुस्लिम सयाह फाम अदाकार महर शाला अली बेहतरीन मुआविन अदाकार रहे। बोहेमियन रेप्सोडी साल की बेहतरीन फिल्म करार पाई। कॉमेडी म्यूजिकल फिल्म का अवार्ड ग्रीन बुक और बेहतरीन एनिमेटेड मूवी का अवार्ड स्पाइडर मैन इनटू स्पाइडर्स के नाम रहा। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जारी अहम मुकदमात की समाप्त की। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस नैब को भिजवा दिया। नैब को 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। मुंसिफ आला ने बिलावल भुट्टो सरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम ECL और GIT रिपोर्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि नैब चाहे तो बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को तलब कर सकता है। अदालत उज़्मा ने आसिफ सरदारी के वकील फारूक एच नायक का नाम भी GIT रिपोर्ट से निकालने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बिलावल मासूम ने पाकिस्तान आकर ऐसा क्या काम कर दिया। GIT ने मामले में एक मुलव्विस क्यों डाला, किसके कहने पर बिलावल का नाम ECL में डाला गया। बिलावल सिर्फ अपनी मां का मिशन आगे बढ़ा रहा है। वजीर आला सिंध का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस नए मरहले में दाखिल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस नैब को भिजवाते हुए 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया।
केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम ECL और GIT रिपोर्ट से निकालने और दोनों का मामला असादाना देखने का हुक्म भी दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब चाहे तो बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को तलब कर सकता है। अदालत उज़्मा ने आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक और अटर्नी जनरल अनवर मंसूर के भाई का नाम भी GIT रिपोर्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बिलावल मासूम ने पाकिस्तान आकर ऐसा क्या काम कर दिया, GIT ने मामले में मुलव्वस क्यों किया, किसके कहने पर बिलावल का नाम ECL में डाला गया। बिलावल सिर्फ अपनी माँ का मिशन आगे बढ़ा रहा है।